नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल GK by पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं रीट 2017 के सेक्शन ए के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस भाग का, जिसमें 30 प्रश्न हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडूरा तथा वोल्टर ने बल दिया वह है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? आंसर होगा, शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा ईदम। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, इस प्रश्न के उत्तर में हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिगमंड फ्रायड और अल्फ्रेड एडलर, जिसमें अल्फ्रेड एडलर ज़्यादा सही लग रहा है। अगला प्रश्न, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भी दो प्रश्न ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, और जिसमें उचित है वो पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति लग रहा है। आंसर होगा सी। एक 5 वर्ष के बालक के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, इसका आंसर होगा अधिगम अक्षमता। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह अवस्था एनोरेक्सिया नर्वोसा। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है, इस प्रश्न के अंतर्गत इसका आंसर होगा टोकन इकोनॉमी। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है, जिसका आंसर होगा कोहलर। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है, जिसका होगा भारतीय पुनर्वास परिषद। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, हाइपरोमिया। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 10 से 13 महीने में। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं गार्डनर। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया, वाइगोत्स्की। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली साहित्य सामग्री नहीं है, इसमें दो आंसर मिल रहे हैं, विशाल कंप्यूटर किताबें और पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसीबेल में। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसमें दो आंसर मिल रहे हैं, पूर्व संचालन और औपचारिक संचालन। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में रचना के संगठित पैकेट एकत्रित करना। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को इसका आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कईयों में गिलफोर्ड भी दे रखा है, लेकिन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इसका उचित आंसर होगा। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग है 70 से 90। आनुवंशिकता की इकाई होगी जीन। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चरण कोषण का उदाहरण है, आंसर होगा चढ़ना, जबकि कई आंसर क्विज में लिखना भी दे रखा है, ज़्यादा उचित चढ़ना लग रहा है। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग है औसत। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं, ऊपर लिखित सभी। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि या ग्रोथ। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, ऊपर लिखित सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, बच्चे को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना इसका आंसर होगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थ्रॉनडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, इसका आंसर होगा बच्चे को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है आत्म केंद्रित ईगो सेंट्रिसिज्म। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है,
इसका आंसर होगा क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। इसका आंसर होगा रीट 2017 के इस पेपर के अंतर्गत आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी पोर्शन का अध्ययन किया गया है। इसमें प्रश्नों के उत्तर बदलने में संभावनाएं हो सकती हैं। धन्यवाद।